हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं प्रियंका। आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न फ्राई राइस। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। और जो लोग स्वीट कॉर्न फ्राई राइस पहले से बना चुके हैं और खा चुके हैं, वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटा प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे वीडियो का लाभ सबसे पहले उठा सके। और आप लोग को दिल से शुक्रिया अदा कि आप लोग मुझे इतना प्यार सपोर्ट देते हैं और इतना पसंद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग मुझे इसी तरह से प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। बहुत ही आसान है बनाना, झटपट बनके ये तैयार हो जाता है, सिर्फ 5 मिनट में ये बनने वाला है। तो पहले स्वीट कॉर्न ले लेंगे, जो मार्केट में इस समय ताजे वाले बुट्टे मिल रहे हैं ना, वो आपको लेना है। उसे अच्छे से आप छील लीजिए। सारा छिलका निकालने के बाद इसको धो लेंगे 2 से 3 पानी, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे उबलने के लिए रख देंगे। और इसे आप बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं, शाम के टाइम, सुबह के टाइम नाश्ता में इसे बना सकते हैं आप। और इतना टेस्टी लगता है ना कि एक बार क्या बार बार बनाइएगा। स्वीट कॉर्न तो हम सबको पसंद होता है, पर स्वीट कॉर्न हम जब खाते हैं ना तो कुछ अलग अलग तरीके से ट्राई करके खाते हैं ना, तो और भी मजा आता है। और इस समय तो बारिश के मौसम में और मार्केट में तो बहुत ही ताजे ताजे बुट्टे मिलते हैं, तो ला के बनाना तो बनता है, तो बनाइए जरूर। और मेरे चैनल पे बहुत सारा बुट्टा का रेसिपी अपलोड है अलग अलग तरीका का, अभी तक से आप नहीं देखे हैं तो प्रियंका डीसीबी चैनल पे सर्च मार के देख सकते हैं। तो पानी डालने के बाद थोड़ा सा डाल दिए चुटकी भर हल्दी और नमक, सबको अच्छे से मिक्स करके लेट लगा के इसको 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे। तो आप पूछेगा कि 2 से 3 सीटी आने तक क्यों पकाएंगे, क्योंकि इसे बिल्कुल हमें सॉफ्ट करना है। अभी ये बहुत हार्ड है, क्योंकि जब एकदम सॉफ्ट कर देंगे ना तो फ्राई इसका बनाएंगे फ्राई राइस ना, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो 3 से 4 सीटी आने तक पका लीजिए। बस जब इसे हाथ से टच करिए ना तो ये टूटना चाहिए, उतना तक आपको इसे पकाना है। तो चलिए जब तक इसका सीटी आ रहा है तब तक से आगे का तैयारी कर लेते हैं। और ये देखिए ठंडा हो गया बिल्कुल, सीटी निकालने के बाद आपको दिखा रहे हैं। सीटी आपको निकालना नहीं है, अपने से प्रेशर कुकर को ठंडा होने देना है। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और कितना अच्छा लग रहा है ना। और इसका जो आप पानी है ना उसे फेंकना नहीं है, आप इसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन से ये भरपूर होता है। तो चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। इसके लिए पहले रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच बटर, या आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं या देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डाल देंगे कुछ कटे हुए धनिया और हरी मिर्च और सबको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास करी पत्ता है ना तो वो डालिए, उससे जो है स्वाद और भी अच्छा आता है। तो 1-2 करी के पत्ते भी हम डाल दिए हैं। और इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद ऐसे लच्छे में कटे हुए प्याज ले लिए हैं, प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 प्याज का इस्तेमाल किया। अगर आप ज्यादा प्याज खाना पसंद करते हैं तो 2 से 3 प्याज डाल दीजिए। और प्याज जैसे ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसका क्रंची आपको ऐसा गोल्डन ब्राउन दिखने लगे ना, आपको तुरंत डाल देना है स्वीट कॉर्न। और स्वीट कॉर्न को डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपको भूनना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि स्वीट कॉर्न जो है हमारा अच्छे से क्रंची हो जाए। तब तक भूनेंगे, उसके बाद डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हम उबालते समय भी डाले थे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और इस सबको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप इसको और भी टेस्टी बनाना चाहते हैं ना तो आप इसमें मैगी मसाला डालिए, उससे जो है ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। और जो लोग फ्राई राइस अभी तक से नहीं खाए स्वीट कॉर्न का, तो आज ही आप बनाइए और इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और भाइयों के लिए भी आप बना सकते हैं स्पेशली, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो आप सबको मेरे तरफ से एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। और आप लोग रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए रक्षाबंधन का वीडियो हम बनाएं और आप लोग को दिखाएं कि हम रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं। ये चावल डालने के बाद सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये पहले से मेरे पास चावल बना हुआ था, अगर आपके पास बचा हुआ चावल है ना तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसे फेंकना भी नहीं पड़ेगा और बहुत ही टेस्टी इसका आपका रेसिपी बनके भी तैयार हो जाएगा। यम्मी यम्मी ये चावल मेरे पास था, तो अब चावल डाल दिए और चावल बिल्कुल खिला खिला है, नॉर्मल वाला ये चावल है। आपको बाहर से भी चावल खरीदने की जरूरत नहीं है कि लंबे लंबे वाला चावल खरीदना है, बिल्कुल भी नहीं। जो आप घर में रेगुलर इस्तेमाल करते हैं चावल ना, उसी से हमने इसे बनाया है। स्वीट कॉर्न फ्राई राइस आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है हमारा देखने में, तो खाने में कितना टेस्टी और यम्मी लगने वाला है आप सोच सकते हैं। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने प्रियंका डीसीबी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से देते रहिए। और मेरे चैनल पे और मेरे सर पे अपना आशीर्वाद बनाए रहिए। और ये देखिए हमारा जो है स्वीट कॉर्न फ्राई राइस झटपट बनके तैयार हो गया टेस्टी यम्मी। तो चलिए आइए हम लोग मिलके खाते हैं इसे। इसके साथ आप हरी मिर्च सर्व कर सकते हैं, रायता सर्व कर सकते हैं,
ग्रीन चटनी सर्व कर सकते हैं टमाटर और धनिया की, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा इस तरीके से बना के। आप लोग को ये मेरा रेसिपी कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जो मुझे कमेंट करते हैं ना, मुझे पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे, तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। तो आप लोग कमेंट मुझे करिए, मुझे ये पता चलता है कि किसको वीडियो मेरा पसंद आता है किसको नहीं पसंद आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।